नमस्कार दोस्तों, एसबीआई की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 472 में है और इसका जो हाई बना था 542.30 बसा बना था और 52 लो है 244। तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को अभी भी अच्छा फायदा हो रहा है। पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बनी है एसबीआई में और दूसरी तिमाही का रिजल्ट भी बढ़िया आया था दोस्तों। ग्रॉस एनपीएस कम हुए थे, नेट एनपीएस कम हुए थे, बट स्टॉक जो है 500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट एक तरह से गिर गया, जो कारण बना हुआ है। अब एक पेशेंट अगर अमेरिका में मिल रहा है ओमिक्रॉन का तो मार्केट में गिरावट हो रही है। तो कहने का मिस मेरा ये है कि आगे भी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। आज इंडेक्सेस ऊपर की तरफ हैं, अगर शाम तक मुनाफा वसूली या गिरावट नहीं होती है जिस तरह से हम लोगों को दिख रहा है, कहने का मीन्स है कि ऊपर की तरफ ही क्लोज होते तो तेजी की संभावना रह सकती है निफ्टी 50 में। तो एसबीआई का स्टॉक जो 473-470 के आसपास कारोबार कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। मजबूत बैंक है, हैबिट स्टॉक है, पीएसयूज बैंक है और पीएसयूज बैंकों से काफ़ी उम्मीद है, जैसे कि एसबीआई है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक का स्टॉक भी थोड़ी बहुत गिरावट में है। एक जो लेगार्ड बना हुआ है पीएनबी का बना हुआ है। फिलहाल बात कर रहे हैं एसबीआई की, तो अगर निफ्टी 50 आज ऊपर की तरफ बंद होता है 2/12/2021 को, इंडेक्सेस ऊपर की तरफ बंद होते हैं तो तेजी की संभावना रह सकती है, आगे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो एसबीआई का स्टॉक कहां तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दिसंबर में और उसके बाद भी, और गिरावट कहां तक हो सकती है चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है एसबीआई का और फेस वैल्यू 1 रुपए का, बुक वैल्यू पर शेयर 293 का है और ईपीएस है 32 का। पिछले कुछ क्वार्टर से एसबीआई में इंप्रूवमेंट हो रहा है, पीएसयूज बैंकों में और पीएसयूज बैंकों से काफ़ी संभावना है, बैड लोन्स बैड बैंक को दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 66% का है, 1 साल का रिटर्न 91% का है, बट ये पिछले साल की जो गिरावट थी 180-200 के आसपास जिन्होंने लिया है अभी भी 2-2.5 गुना ऊपर की तरफ है और 3 महीने का रिटर्न मात्र 10% का हो गया है। जैसे कि बताने की कोशिश की अक्टूबर और नवंबर के महीने से एक तरह से मुनाफा वसूली आ रही है, दिसंबर तक किस तरह का इसमें कारोबार हो सकता है, कैसा कारोबार हो सकता है। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। मार्केट से जुड़े रहने के लिए लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 2/12/2021 को अभी जो ट्रेड हो रहा है 473 रुपये में ट्रेड हो रहा है। आज भी देखिए ये थोड़ा बहुत, आज भी देखिए स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर है ऊपर की तरफ से, हाई बनाया है 476.60। अगर 476.60 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें तेज़ी की संभावना रहेगी। और पिछले 1-1.5 महीने में जो देखते हैं तो देखिए इसका जो प्राइस था 3/11/2021 को नवंबर के स्टार्टिंग में हाई बनाया था 542.30 हाई बनाया, वहाँ से देखिए लगातार गिरा है, बीच में थोड़ा बहुत जंप हुआ बट जो खबर आई थी जिसके कारण मार्केट गिर गया था तो उस दिन देखिए एक बड़ी गिरावट आई थी, लगभग 486 रुपया इसने क्लोजिंग दी थी और लो बनाया था 477.50। तो कहने का मीन्स 477 के नीचे ये कारोबार कर रहा है तो थोड़ा सा बेरिश मोड है, ऊपर जाने में थोड़ा इसको अब स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज ये अगर 476-477 के आसपास क्लोजिंग देता है तब इसमें फिर एक तेज़ी रहेगी 492 तक और उसके बाद लगभग 500 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। अगर निफ्टी में तेज़ी बढ़ती है तो 500 को क्रॉस करते हुए लगभग 506-507 तक और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा 517-520 तक, यहाँ पर मुनाफा वसूली होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि जो अगर नीचे के लेवल पे लेंगे तो मान के चलिए कि 7-8% अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो तुरंत वो मुनाफा वसूली करेंगे और जो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं जिन्होंने मार्जिन में लिया है तो वो भी एक तरह से मुनाफा वसूली करेंगे। तो इस तरह का ऊपर की तरफ जा सकता है, निफ्टी 50 में थोड़ी सी तेज़ी रहती है, मीन्स कहने का मीन्स है कि 17,300 के ऊपर अगर निकलता है तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस और लेवल्स होंगे और इसका जो सपोर्ट रहेगा 454 रुपया रहेगा दोस्तों। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 454 के ऊपर ध्यान रखें, अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो 454 के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, इसके नीचे अगर फिसलेगा तो मान के चले कि 440-430 के नीचे अगर हमको स्टॉक दिखेगा तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से बाई करेंगे।
और यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक होगा। अगर पैनिक सेलिंग में अगर और पैनिक सेलिंग होती है, जैसे कि ये पैनिक सेलिंग हुआ, इस तरह से अगर पैनिक सेलिंग होती है तो बाउंस बैक बहुत तेजी से करेगा, बट साइडवेज होगा कुछ समय के लिए। जैसे कि देखिए आरएसआई को देखते हैं, 41 से थोड़ा बहुत जंप किया, बट अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, गिरता है, तो बाउंस बैक होगा। तो 454 का लेवल को ध्यान में रखना चाहिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बाउंस बैक होता है तो लॉन्ग टर्म वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो जो गिरावट आई है बेरिश मोड है, और अगर पैनिक सेलिंग होती है तो फिर बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। कहने का मीन्स ये, देखिए लाइन जो ड्रॉ किया है 425 426 तक स्टॉक होगा, तो इसमें बहुत तेजी से बाइंग आ जाएगी दोस्तों। जैसे कि देखिए निफ्टी आज ऊपर की तरफ है, बट इसमें तेजी नहीं है, तो प्रेशर है ऊपर की तरफ से। ये जनवरी तक हो सकता है, अगर ग्लोबल मार्केट ज़्यादा गिरते नहीं है तो फिर SBI का स्टॉक हमें जो है 500 के ऊपर ही दिखेगा दोस्तों। और जिस तरह से तेजी बनी हुई है, जिस तरह से पिछले 1-2 साल के अंदर तेजी बनी हुई है, और हल्के फुल्के इसमें गिरावट भी आती रहती है, तो ये जो गिरावट आ रही है एक तरह से ये मौका होगा। जैसे जैसे स्टॉक गिरता है अपने पार्ट में देखना चाहिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस के इस वक्त कारोबार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है शेयर प्राइस का। मार्केट से जुड़े रहने के लिए लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।